था तो एक बोला मैं तो नहीं था, बाकी और था कि नहीं था मालूम नहीं। रावण एक ऐसा ज्ञानी था, एक ऐसा विद्वान था जिसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ। इतना ज्ञानी पंडित उस रावण ने उद्धार क्यों करवाया, सीता माता क्यों चोरी की? क्योंकि वो जानता था कि भक्ति करूंगा तो भगवान राम के पास खुद जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा करूं कि भगवान राम खुद मेरे पास आवे। रावण ने दिमाग लगाया। अब रावण की सभा में एक आदमी बोला, महाराज आप बड़े अपने आप को पराक्रमी कहते हो, रावण महाराज, रावण महाराज, आप में दम नहीं है? दम तो राम जी में है कि राम जी के नाम के पत्थर पानी में तिर रहे हैं, आपके पत्थर भी तिरते हैं क्या? तो रावण बोला कि हाँ, मेरे नाम के पत्थर भी पानी में तिरते हैं, चलो मैं तुम सबको पत्थर पानी में तिरा कर दिखाता हूँ। रावण सारी सभा को लेकर समुद्र के किनारे गया, सारे लोग आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, और रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर लिख दिया रावण और पानी में छोड़ दिया, तो वो पत्थर भी पानी में डूबा नहीं, तिरने लग गया। डूबा नहीं, तिरने लग गया। तो सब लोग रावण की जय जयकार करने लगे, तालियां बजाने लगे, बोले रावण महाराज की। अरे भाई, रावण की जयकार उस समय हुई थी, अब मत करें। रावण की जय नहीं होती, रावण के कर्मों की। अब रावण ने पत्थर पानी में तैरा तो दिया, लेकिन सबने मांग लिया, पर रावण की पत्नी मंदोदरी ने नहीं माना। सब लुगाया जाने के आपड़ो आदमी गणा लखना को है, है? तो रावण की पत्नी मंदोदरी बोली कि रावण महाराज, सारी दुनिया मान ले कि आपने पानी में पत्थर तैरा दिया, पर मैं नहीं मान सकती। पत्थर पानी में तिरा तो कैसे तिरा? रावण लिखा उसने बकायदा, और पत्थर पानी में तिरा साहब। तो रावण बोला, मंदोदरी मैं मेरी बात तुझे बताऊंगा, मेरा भेद मत खोल देना, ये रहस्य की बात है कि मुझसे पहले वादा करो कि ये बात तुम्हारे साथ ही रखोगे। मंदोदरी ने कही, भाई मेरे पेट में रखूंगी, आप बताइए। तो रावण बोला, मंदोदरी मैंने क्या किया, सुनिएगा। रावण बोला, मंदोदरी मैंने समुद्र में से एक बड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर पर मैंने रावण लिख दिया, और मैंने उसे पानी में छोड़ने से पहले उस पत्थर को मेरे मुंह के पास लगाया, और मैंने उस पत्थर को मुंह के पास लगाकर मैंने उस पत्थर को बोला कि पत्थर, तुझे भगवान श्री राम की सौगंध है, अगर पानी में डूब गया तो। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान राम की सौगंध मानकर वो पत्थर भी पानी में तिरने लगा। ऐसे ही आज भगवान राम की सौगंध अगर हाथ नहीं उठाए तो सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके बोले रामचंद्र भगवान की, और ताली क्या करते हैं, हम बल्ला बल्ला हो गए रे, हम बल्ला बल्ला हो गए रे, हम बल्ला बल्ला हो गए रे, हम बल्ला बल्ला हो गए रे। जिंदगी रहेगी तो फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो मेरे राम से। जो राम जी से प्रेम करते हैं, दोनों हाथ उठा लीजिए, कुर्सी पर बैठने वाले, नीचे वाले, मूछ वाले, पगड़ी वाले, माता बहने सभी, और दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे, हाँ बल्ला बल्ला हो गई रे, बल्ला बल्ला हो गई रे।